वृंदावन में धूमधाम से निकाली गई। भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा। धर्म नगरी वृंदावन में आज परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से भगवान परशुराम की विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि वृंदावन में रमन रेती क्षेत्र स्थित परशुराम पार्क से शाम 4 बजे से शुरू हुई भगवान परशुराम की विशाल व भव्य शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ साथ बैंड बाजे और डीजे पर चल रहे भगवान श्री राम और परशुराम के सुंदर सुंदर भजनों पर नगरवासी और भक्तगण अपनी मस्ती में झूमते और नाचते गाते हुए चल रहे थे। तो वही नगरवासी जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्पों से स्वागत करने के साथ ही साथ शोभा यात्रा में लगभग 3 दर्जन ठाकुर जी की झांकियों के दर्शन कर अपने आप को धन्य कर एक अलग ही अंदाज में खुशी जाहिर कर रहे थे। वही झांकियों के साथ में कलाकार भगवान शिव जी और राधा कृष्ण एवं परशुराम और वानर सेना व काली के स्वरूप बनकर शोभा यात्रा के दौरान नृत्य कर हर किसी के मन को मोहित करने में लगे हुए थे। वही शोभा यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर वृंदावन कोतवाली और मथुरा गेट चौकी प्रभारी के साथ साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। तो भगवान परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों भक्तगण व नगर वासियों ने शोभा यात्रा का स्वागत करने के साथ ही खूब आनंद लिया। तो वही भगवान परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा परशुराम पार्क से शुरू होकर हरि निकुंज चौराहा, विद्यापीठ चौराहा, ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, अटखंबा, वनखंडी, लोई बाजार, रेतिया बाजार, प्रताप बाजार, अनाज मंडी और नगर निगम चौराहे से नगर में भ्रमण करती हुई भगवान रंगनाथ जी के मंदिर पर आकर पूर्ण हुई। वृंदावन के इस दिव्य विश्राम पार्क से भगवान परशुराम की एकता समता के प्रतीक तथा जितनी भी आराध्य भगवान परशुराम की दिव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। ये सर्व समाज के लिए एक प्रेरणादायक शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोग आकर के शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से सभी समाज को एकता और सफलता के साथ में बांधती रहे। जय श्री कृष्ण।